एक गाना बजा बहुत पहले। हाँ हाँ। कि चेहरे से पर्दा श्रद्धा वाला जी स्टूडियो भगवा एवं सुंदर कांड समिति भगवा वालों की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे परम पूजनीय परमादरणीय जो हमारे कुंवर साहब है सम्मान्य श्री देशराज वर्मा जी आपके गिर कमलों से 51 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। आपके चरणों में गुट गुट नमन वंदन है। भगवान भोलेनाथ सदैव आप सभी का भंडारा भरा रखे। अब ध्यान दें गीत पर, बड़े अच्छे अच्छे गीत आप सभी ने सुने हैं। और परम पूजनीय गुरुवर ने जहां कलम चला दी है उस कलम का कोई काट नहीं है। इतने बढ़िया बढ़िया गीत अभी आपने सुने हैं। प्रयास कर रहा हूं कि गुरुवर श्री के मार्गदर्शन में एक गीत तो अपनी ओर से प्रस्तुत कर रहा हूं और ये उन्हीं की कृपा प्रसाद है। इस गीत को जरूर सुनेगा। आपने तरह तरह के पति पत्नी के झगड़े सुने होंगे, तरह तरह के झगड़े सुने होंगे। पति पत्नी के अक्सर झगड़े होते हैं, विषय कई होते हैं। विषय कई होते हैं, आप सभी को मालूम है कैसे कैसे विषय होते हैं और कैसे कैसे झगड़े होते हैं। एक झगड़ा इस कलयुग में हुआ है और झगड़ा ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, तगड़ा हुआ है। कैमरा लड़का है,
करिया झगड़ा तो हुआ लेकिन तगड़ा हुआ है। लड़का से ज्यादा तो बुआ को पता रहता है। इन बातों पे बुआ ज्यादा ध्यान देती है। सारी सारे झगड़े झगड़े की फसाद तो बुआ ही होती है। अब देखिए झगड़ा साधारण नहीं है। पत्नी मायके चली गई। पति पत्नी के बिना नहीं रह पाए। पत्नी मायके गई, पीछे पीछे श्रीमान जी भी जा रहे हैं। और वो साधारण पति नहीं है ना। जिनको जगत पति मिल गए हैं वो ऐसे पति हैं जिनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास अब पीछे पीछे गए, रास्ते में नदी बाढ़ में थी, मुर्दे पर सवार हुए, नदी पार की, ससुराल पहुंचे, दरवाजे लग चुके थे, पिछवाड़े से पहुंचे तो एक सांप लटक रहा था जिसे रस्सी समझ के ऊपर पहुंचे, पत्नी के कक्ष में दाखिल हुए और जगाया, कहा रत्ना रत्ना हम तो आ गए। हम आ गए, हम तो आ गए। रत्ना ने कहा धन है स्वामी, धन है, अभी हमारे पांव की धूल भी नहीं छूटी। बिरले हो महाराज, आप पधार गए। औका लेकिन सुनिए, आज वो कहूंगी, आज ऐसा कहूंगी, आज तक किसी पत्नी ने अपने पति को नहीं कहा होगा। ध्यान दे, आज वो कहूंगी और कहा कहा गया। और यदि किसी पत्नी ने आज तक कहा हो तो बताइए। कहा रत्ना ने, अरे मेरी सुंदरता से बताओ। हाँ, ध्यान दो महाराज, आज की किसी पत्नी ने क्या अपने पति से ऐसा कहा है ना? और कहा हो तो हाथ उठा दो कि अपनी पत्नी ने ऐसा कहा है। अरे मेरी सुंदरता से क्या पाओगे तुम, ये जीवन संजीवन सा नसाओगे तुम। ये सुंदर जीवन संजीवन के जैसा जीवन, इसको नसाओगे यदि मेरी सुंदरता में जाओगे, यदि मेरी सुंदरता में जाओगे। इसलिए मुझे मत देखो, मेरा उपयोग मत करो, परमात्मा के चरणों में देखो, परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाओ, परमात्मा का स्मरण करो। आज तक कोई पत्नी ऐसा नहीं कह पाई। कहा रत्ना ने, कहा अरे आज कहे बिन रत्ना, अरे आज कहे बिन रत्ना रह सकती नहीं है। और इस दुनिया की कोई भी औरत ऐसा कह दूंगी कि कोई कह सकती नहीं। क्या बात है, दुनिया की कोई औरत नहीं कह सकती। आज ऐसा कहूंगी, ऐसा कहूंगी और कहा भी। और ये फिर आशीर्वाद स्वरूप सुंदरकांड समिति हरिनगर
लखन यादव जी आपके घर कमलों से 51 रुपए का आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी आप सभी का भंडारा भरा रखे। और कहना है अरे आज कहे बिन रत्न रह सकती नहीं है, जो मैं कहने वाली हूँ अरे और कोई भी औरत कह सकती नहीं है। तो छोड़ो यहाँ का, अरे छोड़ो यहाँ का, रत्ना बोली घेनाथ अरे छोड़ो यहाँ का अब वहां का, मुझको छोड़ो, छोड़ो यहाँ का अब वहां का, कुछ इंतजाम कीजिए वहां का। क्या कहा है किसी की औरत ने? मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मेरे ऊपर चित मत लगाओ, मेरे ऊपर मन मत लगाओ, मुझे छोड़ो, प्रभु परमात्मा के चरणों में चित लगाओ। तो कहा अरे छोड़ो यहाँ का, अरे छोड़ो यहाँ का अब वहाँ का, अरे छोड़ो यहाँ का अब वहां का, कुछ इंतजाम कीजिए, छोड़ो यहां का अब वहां का, कुछ इंतजाम कीजिए। स्वामी स्वामी एक काम कीजिए, ये जीवन उनके नाम कीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बस यही गुरुवर का प्रसाद है, यही गुरुवर का प्रसाद है, मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब इनका दिया हुआ है। कहा रत्नावली ले, और उससे पहले ये परम पूजनीय मेरे गुरुवर, ये वाकई जगह तो मेरी उनके चरणों में है, लेकिन वो कहते बेटा तेरी जगह चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। जय हो। एक बार मेरे गुरुवर के लिए तालियां हो जाए, एक बार गुरुवर के लिए तालियां हो जाए। गुरुवर बस यूं ही वरद हस्त बनाए रखिएगा, आपके विश्वास को, आपके नाम को, आपके धाम को जीवन पर्यंत झुकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। कहना है अरे छोड़ो यहां को, और ये पुनः परम पूजनीय हमारे कुंवर साहब श्री देशराज वर्मा जी आपके घर कमलों से 100 रुपया का आशीर्वाद मिल रहा है, आपके चरणों में नमन वंदन करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आपकी ही ये विद्या साधना है, वैसे मेरे रिश्ते में ये नातिन है, आप मेरे दामाद हैं और ये नातिन है, लेकिन नातिन को भी आपने शिष्या के रूप में मुझे सौंप दिया है, वैसे तो वो मेरी थी लेकिन शिष्या के रूप में सौंप दिया है, लेकिन इस शिष्या को मैं शिष्या के रूप में गुरुवर को सौंप दिया हूं कि गुरुवर इसको ध्यान देंगे और गुरुवर इसको मार्गदर्शन देंगे। मैं तो आपका अपना हूं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऐसे महापुरुषों के लिए भी। तो कहना है अरे छोड़ो यहां का अब वहां का, कुछ इंतजाम कीजिए। बस स्वामी स्वामी एक काम कीजिए, ये जीवन उनके नाम कीजिए। स्वामी एक काम कीजिए।
दीजिए मैं उल्टा ले रहा हूं, उल्टा कीर्तनकार सतयुग से कलयुग की ओर आते हैं, लेकिन इस गीत को देखना गुरुजी, इस गीत को हम कलयुग से ऊपर की ओर सतयुग की ओर है, और ये गुरुवर की ओर से आशीर्वाद स्वरूप हमारे प्रिय ढोलक वादक छोटे भाई नरेंद्र सिंह बनाफर को 201 रुपया का आशीर्वाद गुरुवर की ओर से मिल रहा है। चरणों में नमन वंदन है, और कहना है जब दुर्योधन किसी की बात नहीं मान रहा, समझाया गया बुझाया गया, तरह तरह से उदाहरण देकर के सदमार्ग सदमार्ग में लाने का प्रयास किया गया, तब एक दिन जब विदुर जी ने इतना समझाया, चूंकि वो महामंत्री थे, जय जय गुरुदेव, इतना समझाया विदुर जी ने, लेकिन विदुर जी का भी उस व्यक्ति ने अपमान करके सभा से निकाल दिया, और जब सभा से निकाल दिया विदुर जी पहुंचे अपने घर, न खाया न पिया, यूं ही लेट गए। विदुरानी ने पूछा, नाथ नाथ बात क्या है? हाँ। बात क्या है? विदुर जी ने बताया तो विदुरानी कहती है, हे प्राणनाथ, अरे दुर्योधन की अब तो सुनने के लिए बैठे हैं, आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं, जरूर एक लाइन सुनिएगा, जरूर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, वैसे हम देने लायक नहीं है लेकिन सुनिएगा जरूर। कहना है, अरे दुर्योधन की अब तो मति मार गई है, क्योंकि क्योंकि अरे पापाचार की सीमा, पापाचार की सीमा सीमा पार गई है। और ये सम्मानी भैया सोवित जैन भैया सेवा मसाटी जी, आप दोनों की ओर से ये 1 से 1 रुपया मिल रहा है, भगवान सदैव आपका कल्याण करे, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। कहना है, अरे दुर्योधन की अब तो मति मार गई है, क्योंकि अरे पापाचार की सीमा सीमा पार गई है। आप लोग भी विचार करिए, उन लोगों का विनाश नजदीक है गुरुवर, उन लोगों का विनाश नजदीक है जो अपने बड़े बुजुर्गों को अब शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। नोट कर लो इस बात को, लाख टके की बात नोट कर लो, जिस व्यक्ति ने अपने बाप को बाबा को गांव पड़ोस के बुजुर्गों को अब शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, वो व्यक्ति समझ ले कि मेरा विनाश नजदीक है, नजदीक है। और YouTube में कैसेट बन रही है, नोट करके रखना इस बात को, नोट करके रखना, सुनिए, अपने मुख से अपना, अपने मुख से अपना गुणगान कर रहा, अपनों
अपमान कर रहा, अपनों से बड़ों का अपमान कर रहा। तो विदुरानी बोल पड़ी कि स्वामी अरे छोड़ो पद प्रतिष्ठा, रानी बोल पड़ी अरे छोड़ो सभा की, छोड़ो सभा की पद प्रतिष्ठा, घर में आराम कीजिए, छोड़ो सभा की पद प्रतिष्ठा, घर में आराम कीजिए। अब स्वामी एक काम कीजिए, ये जीवन उनके नाम की, स्वामी एक काम कीजिए, समझाया मंदोदरी ने रावण को, बहुत समझाया मंदोदरी ने। आप लोग सब लोग कीर्तनकार विद्वान लोग बैठे हो, बहुत कीर्तनकारों ने इसमें लिखा भी और आप लोगों ने गाया और सुना भी। एक छोटा सा प्रयास सुनिए गुरु कृपा से, मंदोदरी क्या करी है रावण को, क्या करी है सुनिए। समझाया तो बहुत लेकिन थोड़ा सा हमारा समझाना भी सुन लीजिए। अब मंदोदरी ने कहा क्या, अरे प्राणों की बाजी, यहां तो मुझे नहीं दे ठाकुर। मंदोदरी ने कहा हे लंका नरेश, प्राणों की बाजी, अब प्राणनाथ ना करो, प्राणों की बाजी, अब प्राणनाथ ना करो, अपनी इस मंदोदरी को अनाथ ना करो। ये कह रही है मंदोदरी, ये कह रही है अरे प्राणों की बाजी, अब प्राणनाथ ना करो, अरे अपनी मंदोदरी को अनाथ ना करो, और असुरन सरल में, अरे असुरन सरल में जाओ, इसकी भगवान श्री राम की, तो आपका कुछ घटता नहीं है। असरण सरण में जाओ तो आपका कुछ घटता नहीं है और ना घटेगा। अरे चरणामृत चरणामृत, अरे चरणामृत पा करके जीव भटकता नहीं। एक बार चरणामृत पान करके तो देख लो, कहा अरे तल में बसी है, yeah।
तुम्हारे तन में द्विवेदी काशी तो है, काशी तो है, क्योंकि तुम शिव के भक्त हो। अरे तन में द्विवेदी है काशी, पर मन में अयोध्या धाम कीजिए। क्या बात है, तुम्हारे तन में काशी है, शिव के भक्त हो, लेकिन मन में अयोध्या बसा लो, जो राम के भक्त बन जाओ। बहुत बढ़िया। तो अरे तन में तुम्हें दी बसी काशी, अरे मन में अयोध्या धाम कीजिए। स्वामी एक काम कीजिए। अरे तुम सीता के नाम कर रहे हो, अपना जीवन सीता के नाम कर रहे हो ना? अगर करना है, अरे स्वामी एक काम कीजिए, जीवन उनके नाम की। स्वामी एक काम कीजिए, जीवन उनके तालियों के लिए।